हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग स्टडी। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेनोपॉज के बारे में। मेनोपॉज टॉपिक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव का टॉपिक है ये, एंड रिलेटेड है ये फीमेल रिप्रोडक्शन से। एंड पुबर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि पुबर्टी क्या होती है। पुबर्टी एक ऐसी एज होती है जब फीमेल्स को पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि एज होती है 12 से 14 साल के बीच में फीमेल्स को पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो उनकी पुबर्टी एज है जो वो स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से मेनोपोज है, पोज जैसे कि आपको वर्ड समझ में आ रहा है, मेनोपोज मीन्स पोज हो जाना, यानी कि इस एज में पीरियड्स जो हैं वो पोज हो जाते हैं, यानी कि आना बंद हो जाते हैं। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। द मेनोपॉज यूजली अकर बिटवीन द एज ऑफ 45 एंड 55 ईयर्स, यानी कि जो मेनोपॉज की एज होती है वो 45 से 55 साल के बीच में रहती है, मार्किंग द एंड ऑफ द चाइल्ड बियरिंग पीरियड। तो इसे एक तरह से चाइल्ड बियरिंग पीरियड्स भी बोला जाता है, मीन्स जो पीरियड्स हैं वो इस एज में आकर के बंद हो जाते हैं। अगर पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं तो जो महिला है वो गर्भवती नहीं होती, यानी कि वो बच्चों को जन्म नहीं दे सकती, तो इसलिए उसको एंड ऑफ द चाइल्ड बियरिंग पीरियड बोला जाता है, यानी कि जो बच्चों को जन्म देने का जो समय होता है वो उसको जो समाप्त हो जाता है इस एज में आकर के, यानी कि उनके पीरियड्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं और वो उनका एक चाइल्ड बियरिंग पीरियड जो होता है वो बंद हो जाता है। इट मे अकर सडनली और ओवर अ पीरियड ऑफ द ईयर। तो मेनोपॉज जो है कई बार वो सडनली यानी कि अचानक से जो है हो जाता है, यानी कि कई बार 45 से पहले भी कई महिलाओं में जो है ये मेनोपॉज हो जाता है, लेकिन कई बार ये जो पीरियड ये बताया गया है जैसे कि 55 साल जो है इससे ज़्यादा भी हो जाता है, समटाइम एज लॉन्ग 10 ईयर, और कई बार ये 10 साल से ज़्यादा भी ले लेता है। एंड कोज अ प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन एस्ट्रोजन लेवल। तो ये किस वजह से होता है? एस्ट्रोजन लेवल के रिडक्शन की वजह से हो जाता है। एज अ नंबर ऑफ द फंक्शनल फॉलिकल्स इन द ओवरीज डिक्लाइन विद द एज। और क्यों होता है? यानी कि जो फॉलिकल्स होती हैं जो फंक्शन करती हैं उनका डिक्लाइन हो जाना, द ओवरीज ग्रेजुअली बिकम द लेस रिस्पॉन्सिव टू FSH एंड LH एंड एवोल्यूशन एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो ओवरी क्या होती है? ये जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जिनकी वजह से हमारा पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल बनता है, एक पूरा जो वर्क करता है वो इन दो हार्मोन्स की वजह से करते हैं, जैसे FSH एंड LH की वजह से। और मेनोपॉज में क्या होता है कि जो हमारी ओवरीज होती हैं वो इन्हीं हार्मोन्स को रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से मेनोपॉज जो है वो यानी कि पीरियड्स आने वो बंद हो जाते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर ओवुलेशन होना बंद हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? बिकम इरेगुलर इवेंचुअली सीजिंग, यानी कि पीरियड जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं, यानी कि एक नियमित रूप से नहीं आना या फिर बिल्कुल ही बंद हो जाना। सेवरल अदर फिनोमेना में अकर एट द सेम टाइम। और कुछ और भी फिनोमेनाज हैं, यानी कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं मेनोपॉज के दौरान ये फीमेल के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है, शॉर्ट टर्म अनप्रडिक्टेबल वैसोडाइलेशन विथ फ्लशिंग। वैसोडाइलेशन होने शुरू हो जाती है, एंड वैसोडाइलेशन में क्या होता है, बोन्स के साथ जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो लूज होना शुरू हो जाते हैं, स्वेटिंग पालपेशन शुरू हो जाती है, कॉजिंग डिसकम्फर्ट एंड डिस्टर्बेंस ऑफ द नॉर्मल स्लीप पैटर्न, यानी कि एक डिसकम्फर्ट फील होने लग जाता है स्लीपिंग पैटर्न में, यानी कि उनके जो नियमित सोने का जो सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब होने लग जाता है, श्रिंकिंग ऑफ द ब्रेस्ट जो है वो श्रिंक होनी शुरू हो जाती है, एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर बिकम स्पेयर, यानी कि जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं जैसे कि अंडर आर्म्स में हुए या मोन्स प्यूबिक्स हुए, ये क्या है, स्पेयर होने शुरू हो जाते हैं, एंड एट्रोफी ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स। एट्रोफी मीन्स रिडक्शन होना, कम होना या फिर डीजनरेट होना, सेक्स ऑर्गन का डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, एंड एपिसोड ऑफ द अनकरेक्टरिस्टिक बिहेवियर, इरिटेबिलिटी, मूड चेंजेस, यानी कि कुछ एक ऐसे करेक्टरिस्टिक हैं जैसे कि उनके मूड में चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं, जैसे कि वो इरिटेट होना शुरू हो जाती है महिलाएं, मूड चेंज होना यानी कि मूड स्विंग्स हो जाना, कभी उनको गुस्सा आने लग जाता है, कभी मूड ठीक हो जाता है, तो इस तरह से उनके जो मूड्स हैं वो स्विंग्स होते रहते हैं। एंड उसके बाद आता है ग्रेजुअली थिनिंग ऑफ द स्किन, और स्किन जो है वो थिन होनी शुरू हो जाती है,
लॉस ऑफ द बोन मास प्रीडिस्पोजिंग ऑफ द एस्ट्रोपोरोसिस, मीन्स महिलाओं में क्या है एस्ट्रोपोरोसिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, यानी कि बोन से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। एंड उसके बाद लास्ट पॉइंट है इसमें, स्लो इंक्रीज इन द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। एंड धीरे धीरे क्या है उनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से उनको हार्ट की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज होनी शुरू हो जाती है। एंड इन पोस्ट मेनोपोज वुमेन टू दैट इन द मेल्स ऑफ द सेम एज। एंड लास्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है, सिमिलर चेंजेस अकर आफ्टर द ब्लिट्रल रेडिएशन और द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ओवरीज। कई बार क्या है फीमेल्स में सर्जिकल यानी कि सर्जरी के द्वारा जो है ओवरीज को रिमूव कर दिया जाता है, तो जो उनमें ओवरीज को रिमूव करने के बाद चेंजेस होती हैं और एक नेचुरल मेनोपोज में जो चेंजेस होती हैं तो वो सेम चेंजेस रहती हैं, बिकॉज जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो तो ओवरीज पर ही इफेक्ट डालते हैं, और अगर ओवरीज नहीं रहती तो सेम फंक्शन रहता है। तो इसमें क्या है कोई चेंजेस नहीं होंगे, चाहे वो ब्लिटरल रेडिएशन हो या फिर सर्जरी हो, लेकिन फंक्शन सेम रहता है। तो ये कुछ इफेक्ट्स थे मेनोपोज को, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है कि इसमें क्या क्या होता है, वैसोडाइलेशन होनी शुरू हो जाती है, पालपेशन, स्वेटिंग, डिस्कम्फर्ट एंड डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप पैटर्न, श्रिंकिंग ऑफ ब्रेस्ट एंड एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर जो है वो सेपरेट होने शुरू, स्पेयर होने शुरू हो जाते हैं, एंड जो सेक्स ऑर्गन हैं उनमें डीजनरेट होने शुरू हो जाते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, मूड चेंजेस होते हैं, एंड स्किन जो है वो थिकिंग होनी शुरू हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है मेनोपोज के दौरान होनी शुरू हो जाती है। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक मेनोपोज से रिलेटेड। तो हमने पुबर्टी भी पढ़ लिया है, मेनोपोज भी पढ़ लिया है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है। तो बहुत ही जल्द मैं आपके साथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल का टॉपिक डिस्कस करूंगी। तो ये चीज़ें दोनों ही मैंने आपके साथ डिस्कस की है, ताकि जब आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल करें तो आप में इन चीज़ों में कन्फ्यूजन ना हो कि पुबर्टी एज क्या होता है, पुबर्टी में क्या क्या होता है, एंड मेनोपोज क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस होती हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स क्लियर करने की। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।